मंगलवार को दिन दहाड़े बेंगलुरु की एक व्यस्त सड़क पर एक 71 वर्षीय व्यक्ति मुत्तप्पा को 25 वर्षीय स्कूटर सवार द्वारा घसीटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। युवक की कार से स्कूटी सवार साहिल की टक्कर हो गई थी। जैसे ही वह आदमी मुत्तप्पा साहिल से दुर्घटना के बारे में बात करने के लिए अपनी कार से बाहर निकला, साहिल ने अपने स्कूटर पर भागने की कोशिश की। इतने में बुजुर्ग मुत्तप्पा स्कूटर के पीछे दौड़े और स्कूटर को पकड़ लिया। स्कूटर सवार साहिल नहीं रुका और मुत्तप्पा को स्कूटर समेत घसीटता ले गया। डीसीपी लक्ष्मण निर्बर्गी ने कहा, कारण बहुत स्पष्ट है कि मुत्तप्पा स्कूटर को दुर्घटना स्थल से भागने से रोकना चाहते थे। मुत्तप्पा ने कहा, साहिल को यह एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए था और इस तरह भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की डेंजरस सवारी पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि वह इसे किसी और के साथ न दोहराए। यह घटना दिल्ली में हिट एंड रन मामले के हफ्तों बाद हुई है, जिसमें एक 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी जब वह एक कार के पहियों के नीचे फंस गई थी और उसे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। टुडे इन बैंगलोर इन द आफ्टरनून देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर अ बोलेरो व्हीकल एंड अ टू व्हीलर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स बिटवीन द टू राइडर्स व्हेन द बोलेरो राइडर ट्राइड टू स्टॉप द टू व्हीलर राइडर बाय होल्डिंग द बैक रॉड ऑफ द बाइक राइडर ignoring that somebody is behind, he sped away with the bike and the Bolero driver was found hanging in the sense he dragged him to almost 500-600 meters in the he dragged him and in this incident already what the injured person is there, he's been admitted to hospital and the bike rider is in our custody and we'll be taking further legal action. Yeah, we are registering a case on the complaint of the Bolero driver. Just now we have received the complaint and now we will be taking up the FIR.